हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सेम डिजाइन। तो दोस्तों, आज कुछ दिन के बाद वीडियो लेके आया हूँ। तो बहुत ही रफ शेड्यूल चल रहा था, टाइम वगैरह मैनेज नहीं हो पा रहा था। तो आज का वीडियो है, हम किसी प्लास्टिक पीस की वेट कैसे निकलते हैं। तो मैं आपको दो तरीका बताऊंगा प्लास्टिक पीस की वेट निकलने के लिए। कभी अभी आप मोल्ड बनाते हो तो आपकी शॉर्ट वेट प्लास्टिक पार्ट की वेट वगैरह निकलने में काम आ जाएंगे। होता है कभी भी आप जैसे मोल्ड डिजाइन करते हो, इसकी कितना शॉर्ट वेट आ रहा है, पार्ट की वेट क्या आ रही है, अगर आपकी ये फैमिली मॉल में है तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे, क्या वेट निकालोगे, तो आपको आना से ये कैसे निकालोगे, तो उस केस में आपको ये हेल्प करेंगे। तो आज का जो वीडियो है तो इसके ऊपर है। तो बेसिकली मैं यहाँ पे NX19 यूज कर रहा हूँ, और अगर आपके पास 19 नहीं है तो आपके पास 12 है या आपके पास 10 है, तो उसमें कैसे करना है और इसमें कैसे करना है, दोनों में आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले जो है एक काम मैं आपको 19 में बताऊंगा, फिर मैं आपको 12 में बताऊंगा। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, 12 में अपने आपको ऑप्शन मिलेंगे मेजर बॉडी का, लेकिन इसमें कोई मेजर बॉडी नहीं है, तो इस केस में आपको अलग से बनाना पड़ेगा। कैसे निकालना है बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे पहले हम पार्ट देख लेते हैं। पार्ट मेरा कुछ इस तरीके से है। तो पहला एकदम मैं सिंपल तरीका बताऊंगा कैसे निकालना है। तो सबसे पहले क्या होती है, हम एक कमांड मिलती है, यहाँ पे टूल पे जाते हैं और एसाइन मेटल का ऑप्शन मिलती है। तो हम जैसे एसाइन मेटल में जाएंगे, लेट्स से मैं इसको एबीएस में चाहता हूँ, मैं एबीएस में सिलेक्ट करूंगा। जो भी प्लास्टिक मेटल चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वहां पे बाय डिफॉल्ट आपकी जो भी डेंसिटी वगैरह है, जो भी वो है, वो ऑलरेडी इसमें डाल के रखा है। तो सबसे पहले हम बॉडी को सिलेक्ट करेंगे, जो मेरा मेटेरियल होगा मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, यहाँ पे आपको आइसोट्रोपिक रखना है, ठीक है। नेक्स्ट केस में क्या होगा, इसमें इसकी मुझे वेट निकालना है। तो वेट निकालने के लिए आप सीधा उसकी यहाँ पे आपको यहाँ पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कोई मेजर बॉडी नहीं मिलेंगे। आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, जो भी ऑलरेडी यूज कर रहे हैं उसको बताऊंगे। तो यहाँ पे कोई मेजर बॉडी का ऑप्शन नहीं है, जैसे आपको 12 में मिलती है किसी की वेट वगैरह निकलने के लिए, है ना। तो यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, मैं एनालिसिस में जाना है। यहाँ पे आपको कमांड मिलेंगे मेजर, मेरा यहाँ पे कस्टमाइज है तो थोड़ा सा आपको दिखने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मेजर में जाना है आपको, मेजर में जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। और इसको कैसे एनालाइज करते हैं ये थोड़ा सा अलग है, इसके बारे में भी बताऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पे जाके सिंपली आपको सॉलिड बॉडी लेना है और उसको आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने पे आपका अलग से एक पॉपअप यहाँ पे ओपन होंगे, भी थोड़ा टाइम लगेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे पॉपअप अलग से ओपन होगा, यहाँ पे आप देख पाओगे कितना मास निकालना है आपको। यहाँ पे न्यूटन में नहीं चाहिए, आपको केजी में चाहिए। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, अगर मैं इसको एबीएस में ले रहा हूँ तो यह मेरा कितना ग्राम का आ रहा है, 70.2 ग्राम का आ रहा है, ठीक है। केजी में है तो इसको ग्राम में कॉन्वर्ट करोगे, 1000 से आप कर दोगे तो इसमें आपको कितना आएगा, 70 ग्राम का आएगा, 70.2। तो हम यहाँ पे जो है 70.2 ग्राम का आपको वेट मिलेंगे। लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पे जैसे मैंने मेजर बॉडी लगाया यहाँ पे, सॉरी मेरे पास जो यहाँ पे मैंने टूल लगाया था, ऐसा मेटल लगाया था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मेटल है जो आप कस्टमाइज यूज कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे उसको आपको यहाँ पे दिया नहीं गया है ना। लेट्स से यहाँ पे आपको 70-80% मेटल मिल जाएंगे, और कुछ कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो यहाँ पे नहीं होता है, तो उसके लिए क्या क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको डेंसिटी बताना चाहिए। जो भी आप मेटेरियल वगैरह यूज करते हो ना, उसको आपको डेंसिटी बताना चाहिए। तो डेंसिटी कहते पता लगाओगे आप, मैं इसके लिए आप अलग से एक पीडीएफ दे दूंगा, एक मेरे पीडीएफ पर हुआ है। अपना अपना जो ईमेल आईडी है नीचे लिंक डाल देना, क्योंकि मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डाल देता हूँ लेकिन बाद में मेरा जीमेल फुल हो जाता है तो वहां से डिलीट हो जाती है। तो अपना अपना ईमेल आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं हर एक को दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या होती है, इस केस में आपको यहाँ पे सॉलिड डेंसिटी देना है। सॉलिड डेंसिटी कहाँ मिलेंगे आपको, यहाँ पे जाना, आपको मेनू में जाना है, एडिट में जाना है, फीचर में जाना है, फिर उसके बाद आपको क्या मिलेंगे, सॉलिड डेंसिटी। तो सॉलिड डेंसिटी में क्या होगा, हर एक प्लास्टिक मेटेरियल जो भी मेटेरियल आप यूज करोगे उसकी डेंसिटी पता होना चाहिए। वो डेंसिटी मैं आपको दे दूंगा, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछना। अगर आपको किसी प्लास्टिक मेटेरियल का आपको डेंसिटी चाहिए, नीचे कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसकी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहला मैं कौन सी मेटेरियल यूज करूँ, लेट्स से मैं यूज कर रहा हूँ पीसी का, है ना। पीसी मतलब हो गया आपका पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट का जो डेंसिटी होती है, तो होता है कितना होती है, वो 1.22 होता है ना। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा 1.2, मतलब जो मैं भाई मेटेरियल यूज कर रहा हूँ या मैं यूज कर रहा हूँ पीसी का। अगर लेट्स से मैं पीवीसी यूज कर रहा हूँ, तो पीवीसी के केस में मेरा क्या हो जाएगा, 1.38 हो जाएगा। पीवीसी का डेंसिटी आते 1.38 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे पीसी यूज करूंगा, जो मेरा मेटेरियल होगा वो होगा पीसी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली इसको सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मैं अभी बताऊंगा आपको, जो भी आप सिलेक्ट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे जो मेटेरियल है, जो ऑलरेडी मेटेरियल है, तो जो पहले वाला हट जाएगा। तो हम इसको क्या कर दिया, 1.2 कर दिया इसको, 1.2 मतलब इसको हम पॉलीकार्बोनेट कर दिया है। अभी दोस्तों ये जो हो गया पॉलीकार्बोनेट हो गया, अब इसके हम क्या करेंगे, मेजर बॉडी लगाएंगे। सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, यहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है।
और यहाँ पे इसको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे आप अलग से एक पॉपअप खुलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे जैसे आप देखोगे मैं यहाँ पे लेके पॉपअप खुल गया है, तो यहाँ पे जो मेरा पीसी का क्या आ रहा है वेट, तो यहाँ पे मार्च देखोगे 80.2। तो आपने इसमें क्या सीखा, अगर कोई एबीएस में है तो एबीएस की डेंसिटी बेसिकली कम है, तो यहाँ पे जो है आपको जो पीसी का डेंसिटी है वो ज्यादा है, तो इसके ज्यादा होगा तो इसका वेट भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 80.2 ग्राम। तो पहले मेरे को कितना मिल रहा था 70.2, अब पीसी में मेरे को कितना मिल रहा है 80.2। तो यहाँ पे इस तरीके से आप उसको निकालोगे। अगर इसके पास अगर यह फैमिली मोल्ड है या इसमें मल्टीकेविटी है तो आपकी इसके रनर के भी वेट निकालना पड़ेगा, आपको स्क्रू का भी वेट निकालना पड़ेगा। तो इसी तरीके से जो इसकी पार्ट होगा उसको श्रिंकेज को रिमूव करके तो आपको हर तरीके से ऐसे आपको निकालना पड़ेगा। तो ये होगी तरीका। अब दोस्तों इस वीडियो में बताऊंगा 12 में कैसे निकालते हैं। 12 में ए भी आप यूज कर सकते हो, यहाँ पे मीजर की जगह आप मीजर बॉडी में यूज कर सकते हो। और जिसको भी इसकी सारा एजेंसी सही है हर एक प्लास्टिक मेटल का, नीचे कमेंट सेक्शन में अपना अपना ईमेल आईडी डाल दे। और जो भी पेड क्लासेस वगैरह लेना चाहते हो तो मैं हर एक तरीके से कराता हूँ। जैसे आप कॉम्प्लिकेटेड पार्ट देख रहे हो तो हर एक तरीके से कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कराते हो, अलग अलग कराते हो। देखो अब जो मेरा जो मैं मोल कराता हूँ जिसमें मान लो मैं कोर कैविटी भी करा रहा हूँ, तो जो कोर कैविटी कराता हूँ उसमें भी आप देखोगे 8000-9000 सरफेस वाले मोल कराता हूँ। तो बेसिक तो होता ही नहीं है कंटेंट में, 3-4 क्लास आपको बेसिक मिलेंगे, तो सारा जो कंटेंट होगा मेरा एडवांस ही होती है जो भी मैं मोल में कराता हूँ। और आपको जो भी मिलेंगे सारा कैलकुलेशन डाटा के साथ मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर पर से नहीं, हर हम डिटेल में बात करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में।